इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीनिंग हमें पता ही है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड. आप सर्विसेज ले चुके हो बट आपने अभी पेमेंट नहीं करी. मीनिंग में किसी को डाउट? नो सर. ठीक है, तो जब आपने पे ही नहीं करी तो उसको करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? रिधिमा, अगर आपने पेमेंट ही नहीं करी उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नो सर. ओके, हो सकता है, सही बोल रहे हो. साम्या, आपने पेमेंट नहीं करी उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस सर, माना जाएगा. रीजन? क्योंकि बाद में करनी होगी, ये रीजन. एक प्रिंसिपल है बेटा, एक अजम्पशन है, अकाउंटिंग अजम्पशन. मान्यता माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा उस पीरियड का एक्सपेंस? अनंत? यस सर, माना जाएगा. रीजन? सर रीजन ढंग से तो नहीं पता सर, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ सर. अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है. करेक्ट, अक्रूअल अजम्पशन, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस. जब आपको बेसिक टर्म्स कराई थी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तब भी बताया था, जब अकाउंटिंग इक्वेशन कराई थी रेंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग उस साल भी तो कैपिटल में से माइनस करते थे क्योंकि एक्सपेंस तो उस पीरियड का माना जाएगा, पैसे दिए या नहीं दिए. अगर आप सर्विस अवेल कर चुके हो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ही क्या होता है कि सर्विस तो अवेल कर चुके हैं. यस और नो? यस सर. यस सर. तो बेटा बी केयरफुल, इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस फॉर द करेंट पीरियड बिकॉज ऑफ द accrual assumption, accrual basis of accounting कह लो, accrual assumption कह लो, तो current period का expense तो माना जाएगा. Since the payment has not yet been made, it leads to creation of a liability. क्योंकि payment नहीं हुई तो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है. कोई भी डाउट? नो सर. ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है. इंटरव्यूज में, कॉलेज के इंटरव्यूज में पूछी जाती है, जॉब के इंटरव्यूज में पूछी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट भूल चुके होते हैं. ऐसा नहीं कि मुश्किल है, भूल चुके होते हैं. और बड़ी कॉमन ट्रांजेक्शन, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसी बिल आया एकदम से पेमेंट हो जाती है, कुछ टाइम तक ड्यू रहता है, तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है. तो बुक्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एंट्री पास होती ही होती है. एग्जाम्पल से समझेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर वॉज 50,000. तो रेंट आउटस्टैंडिंग इज 50,000, तो ये करेंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? श्रुत? सर माना जाएगा. माना जाएगा. और आपने पेमेंट अभी करी नहीं तो दूसरा एस्पेक्ट, आपकी एक लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी. यस सर. अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है आपके हिसाब से? ट्राई करो, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं. आपके हिसाब से कैपिटल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग रेंट. ओके, आपने बोला कैपिटल अकाउंट, क्यों? क्योंकि आपने रिवाइंड करा अपना थॉट प्रोसेस और आप गए अकाउंटिंग इक्वेशन में. तो जब रेंट आउटस्टैंडिंग होता था हम कैपिटल में से माइनस करते थे और एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते थे. यस और नो? यस सर. तो वहां से आपने आंसर क्रिएट करा. अकाउंटिंग इक्वेशन की लिमिटेशन थी कि वहां पे तीन ही हेड्स थे, एसेट लायबिलिटी कैपिटल. क्या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के सेपरेट हेड्स थे वहां पे? नो सर. नो, बट एक्चुअल अकाउंटिंग में तो पांच कैटेगरीज होती है, एसेट लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस. यस सर. एक्सपेंसेस की अब एक सेपरेट कैटेगरी है, तो आपको क्या वो डायरेक्टली कैपिटल में एडजस्ट करने की जरूरत है? नो सर. अब जैसे हमने सैलरीज पे करी थी तो अकाउंटिंग इक्वेशन में तो उनमें कैपिटल में एडजस्ट कर देते थे, तो अभी हमने जब सैलरीज पे करी
तो या रेंट पे करा तो हमने एक्सपेंस के लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करा ना, कैपिटल तो एडजस्ट नहीं करा। यस सर। ऐसे ही यहाँ पे अगर आउटस्टैंडिंग है लेकिन करंट पीरियड का अगर एक्सपेंस है तो एक अकाउंट हो गया रेंट अकाउंट और जो भी एक्सपेंस होगा एक्सपेंस अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो सही था बट कैपिटल नहीं, एक्सपेंस का नाम आएगा। क्लियर? यस सर। तो एक अकाउंट हो गया रेंट अकाउंट, एक अकाउंट हो गया रेंट आउटस्टैंडिंग। कोई भी डाउट? नो सर। अब एक्सपेंस उस पीरियड का बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड। बट क्या आपने अभी पेमेंट करी है? नो सर। नो सर। तो आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हुई टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट वाज 50,000। कोई भी डाउट? नो सर। नरेशन, रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड, सिंपल? यस सर। चलो एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे रीजनिंग। रेंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपका उस पीरियड का एक्सपेंस तो माना जाएगा क्योंकि आप सर्विस अवेल कर चुके हो, अक्रूअल अजम्पशन कहते हैं सर। रेंट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट क्यों हुआ? आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। इंटरेस्टिंग, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000। पहले हमने क्या सीखा? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फिर हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब दोनों का मिलन हुआ, बोथ द ट्रांजैक्शंस विल बी डन साइमल्टेनियसली। सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000 एंड 10,000 आर स्टिल ड्यू। तो बेटा रोनित, उस पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा, 40,000 या 50,000 या 30,000? रोनित? यस सर, एक मिनट। सैलरीज पेड 40,000, 10,000 आर स्टिल ड्यू और स्टिल आउटस्टैंडिंग। यस सर, उसी पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा सर। क्वेश्चन था उस पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा, 40,000 या 50,000? 50,000। ओके गुड। तो एक अकाउंट इन्वॉल्व तो हो गया सैलरीज अकाउंट, यस और नो? यस सर। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड तो उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा 50,000। पेमेंट कितनी हुई है? 40,000। तो कैश इन्वॉल्व है? यस सर। कैश जा रहा है बिजनेस से, क्रेडिट होगा? यस सर। टू कैश अकाउंट, कितना कैश गया? 40,000। अब 10,000 की आपने पेमेंट नहीं करी अभी तो आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। यस सर। थर्ड अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग, इट इज अ लायबिलिटी। टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितना? 10,000। क्लियर? क्लियर? यस सर। सैलरीज डेबिट क्यों हुआ? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए। ओके जी। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? पेमेंट हुई, आपके एसेट्स गिर गए। और सैलरीज आउटस्टैंडिंग क्रेडिट क्यों हुआ? आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई, आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड। कोई भी डाउट? समझ आया ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? यस सर।